उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार के मंत्री लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मंथन 3 के आयोजन में आईआईएम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के आईआईएम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम योगी ने भारत सरकार द्वारा उद्योग जगत के लिए टैक्स रेट कम करने को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे भारत निवेश के लिए नए हब के रूप में विकसित होगा, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी होगा और प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सीएम ने कहा कि नए रेट टैक्स से पीएम मोदी की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करेंगे। हमारा मंत्रिमंडल, हमारा प्रशासनिक तंत्र आईएम के साथ इसी बात को लेकर के मंथन कर रहा है। हमने इसमें प्रायोरिटी सेक्टर चयन किए हैं और 5 प्रायोरिटी सेक्टर चयन करने के साथ साथ हम इस दौर जा रहे हैं कि देश की जीडीपी होती है, स्टेट की भी होती है, जिले की क्यों नहीं। एमएसएमई सेक्टर को ही एक नया बूम देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नीति हम लोगों ने विगत वर्ष जारी की थी और बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। उसके लिए जितने भी हमें एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी थी, इंसेंटिव देने थे, सब हमने उसके माध्यम से दिए और आज हम लोग इन्हीं चीजों को लेकर मंथन कर रहे हैं कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का पहुंचाने के लिए न केवल बड़े औद्योगिक निवेश यहाँ पे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश यहाँ पे होने चाहिए, एमएसएमई सेक्टर में भी बहुत कुछ टिका हुआ है क्योंकि इस दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत धनी है। हमारे पास टूरिज्म का एक बहुत बड़ा फील्ड है। ये सारी चीजों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और इसका लाभ जो टैक्स रेट में कटौती हुई है, इसका लाभ हमें हर एक क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह यहाँ पे औद्योगिक निवेश का हो, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में, इसका लाभ हमें प्राप्त होगा।